जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर वेरीफाई इट्स यू वाला स्टेप है वो आप पूरा कर लेते होंगे, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग प्लीज वेट का यहाँ पे एक पॉपअप शो होता है जो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता है। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सही करेंगे स्पीड में कंप्लीट आपको मैं बताऊँगा। तो आपको जो मैं स्टेप बताऊँगा आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपने जो भी ये पेज है उसे आप यहाँ पर क्लिक करके और इसे न्यू टैब ले लीजिए, ठीक है। और इस पेज को आपको क्या करना है, जो पहले वाला पेज था उसे वहाँ से आप हटा दीजिए, ठीक है, और न्यू पेज ले लीजिए जैसे कि मैंने ले लिया। या फिर आपके फ़ोन के अंदर जितने भी पेज हैं, ठीक है, उन्हें आपको एक एक करके सबको हटा देना होगा, ठीक है, और वहाँ पे एक नया पेज ले लेना इस तरीके का, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आता है तो इसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से अपना YouTube खोलना है, ठीक है। तो YouTube खोलेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइड से ले लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया है इसी तरीके से आपको लेना है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे थे तब ये प्रॉब्लम आई थी तो उसी वीडियो को आपको फिर से अपलोड करना है। अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करके जैसे मैं वहाँ पर फिर से जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छा भी लगेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है पूरी हो जाए उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी वीडियो थी उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो वीडियो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी वीडियो पहले से अपलोड हो रही थी तो उसे आप बाइटी स्टूडियो से जाके डिलीट कर दीजिए पहले, उसके बाद अपलोड कीजिए, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको ये ना लगे कि मैं वीडियो यहाँ गलत बना रहा हूँ। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं 15 मिनट के लिए बोल रहा है और अपलोडिंग 3% हो चुकी है, और यहाँ पर आप तभी देखेंगे परसेंटेज आगे बढ़ती चली जाएगी, 4% हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप उसे हटा सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।